जय हिंद जय भारत। तो आप देख रहे हैं लाइव अमृतसर और मैं हूं आपका दोस्त सवर शुक्ला। तो सबसे बड़ी बात है कि आज 15 जनवरी और 15 जनवरी के कुल 10 मामले अमृतसर पुलिस ने दर्ज किए हैं। तो सिलसिलेवार हम मामलों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मामला है थाना मकबूलपुरा का। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इकबाल सिंह नाम के एक युवक ने FIR दर्ज करवाई। वो भैंस बेच कर लौट रहे थे और जैसे ही वो वल्ला मंडी से आगे आए तो वहाँ पर हरविंदर सिंह उर्फ हैरी रहने वाले हैं उमरा नंगल के, उनके साथ कुछ साथी थे, उन्होंने उनकी 35,000 रुपये उनसे छीन लिया। मामले की जाँच SI कुलदीप सिंह कर रहे हैं। अगला मामला थाना सदर से है और ये मामला 10 ग्राम हीरोइन पकड़ने का। सबसे बड़ी बात है SI तिलक सिंह ने प्रीति नाम की एक महिला से ये हीरोइन बरामद की है और ये अमन एवेन्यू की रहने वाली है। तो कैसे लोग अमन चैन में रहेंगे जब अमन एवेन्यू में रहने वाली महिलाएं ही अफीम हो या हीरोइन हो बेचा करेंगी। तो सबसे बड़ी बात 10 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है इनसे और मामले की जाँच SI मलकीत सिंह कर रहे हैं। अगला मामला सी डिवीजन थाने से है। हेड कांस्टेबल केवल किशन के मामले में ये मामला दर्ज हुआ है और तरल पदार्थ यानी कि शराब पकड़ी गई है। शराब अविनाश नाम के युवक से पकड़ी गई है और 9 बोतल शराब पकड़ी के मौके पर उनको जमानत भी मिल गई। अगला मामला छेहटा थाने से। कवल दीप सिंह ने यह मामला दर्ज करवाया कि विदेश भेजने के नाम पर 68,000 रुपये उनसे ठग लिए और इस मामले में वेस्ट बंगाल के दर्ज हुए हैं। वेस्ट बंगाल के समुद्रा सिंह ये दर्ज इनका नाम मामला दर्ज हुआ। इंस्पेक्टर गुलशन सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। अगला मामला थाना बी डिवीजन से है और जगदीश कुमार के बयान पर मामला दर्ज हुआ है। इसमें कोई अरेस्ट नहीं हुई, कोई बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन एक्साइज एक्ट लगा यानी शराब बेचने का मामला दर्ज हुआ। कोई इसमें अरेस्ट नहीं है और कोई बरामदगी नहीं है। SI जगदीश कुमार इस मामले में जांच कर रहे हैं। अगला मामला जो है थाना सिविल लाइन से और इस मामले में सबसे बड़ी बात चरणजीत खन्ना है इस मामले में और इन्होंने आरोप लगाया है कि वो अपने वाहन के साथ उनके रिश्तेदार जा रहे थे कि उधर से कार आ रही थी। कार का नंबर था PB02BE0054। उन्होंने लापरवाही से कार ड्राइविंग की और कार टक्कर मार दी जिससे वो घायल हो गए। अगला मामला रंजीत थाने से और इस मामले में 20 ग्राम अफीम पकड़ी गई है और अफीम पकड़ी अमरबीर सिंह और बिल्ला से और SI गुरदयाल सिंह ने ये कामयाबी मिली है। तो अगला मामला थाना रंजीत थाने से ही और मोबाइल छीना गया है और लतका नाम की महिला ने बताया कि वो अपने घर लौट रही थी। उसके पास सैमसंग 9 मोबाइल था और राह के जब वो घर के पास पहुंचे रंजीत अवन के पास तभी 2 लोगों ने उनसे मोबाइल छीन के फरार हो गए। इस मामले में SI गुरदयाल सिंह जांच कर रहे हैं। अगला मामला है थाना सुल्तानगंज थाने से है और रिवाल्वर दिखाकर लूट का मामला है और ये सबसे बड़ी बात है। इस मामले में SI अमन शर्मा की तरफ से मामला दर्ज हुआ है और SI अमन शर्मा का ये आरोप है कि नरेंद्र सिंह उर्फ विक्की ये और दूसरे हैं जैमल जनरल सिंह और ये दोनों हैं शाहकोट कॉलोनी जलंधर के रहने वाले। इन्होंने शराब पीकर और रिवाल्वर दिखाकर उनसे बदतमीजी भी की और मारने और धमकाने की जैसी कोशिश भी की। तो मामला दर्ज हुआ और SI अमन शर्मा इस मामले में जांच कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मामला जो आ रहा है सुल्तानगंज थाने से आ रहा है, लोहड़ी मनाने के परिवार पर हमला हुआ है जोधवीर सिंह के परिवार पर। उनका कहना है कि उनके कुछ लोग उनके घर पर आए, वो अपने रिश्तेदारों और अपने परिचितों के साथ लोहड़ी मना रहे थे। इस पर उन्होंने हमला कर दिया। हमले में घर में तोड़फोड़ की, नकदी भी लूटी गई है और नकदी कितनी लूटी गई, 1,80,000 नकदी लूटने का मामला है। और इस मामले में आरोपी जो है वो रंजीत सिंह है, सन्नी सोनू बब्बू राजू जीना परगट सरदूल और सांबा ये सब भिगी मिंड के रहने वाले। इन पर आरोप है कि इन्होंने घर में उसके मारपीट की और उनके रिश्तेदारों और यहाँ तक सोने के जेवर भी छीनने का आरोप है और कैश लूटने का भी आरोप है। 1,80,000 का आरोप। बिल्कुल मिला ये क्राइम डायरी थी कल जो आने वाली खबरों की सुर्खियां थी क्राइम की, हमने आपको आज पहले ही बता दी क्योंकि लाइव अमृतसर आपको करता है अपडेट और सबसे पहले क्राइम आपको अपडेट करता रहेगा। तो आप देखते रहे लाइव अमृतसर और लाइव अमृतसर को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाए क्योंकि ये आपका चैनल और आपकी आवाज बनेगा। तो हम फिर मिलेंगे कल अगले बुलेटिन में 24 घंटे पहले क्राइम की खबरों के साथ। जय हिंद जय भारत।